चलिए बच्चों, क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है इनोलाइजेशन, इनोलीकरण। ठीक है, ये होता है क्या? इनोलीकरण। ये किसकी वजह से होता है? इनोल ग्रुप की वजह से होता है। ठीक है, इन शर्कराओं का क्या होता है? इनोल मतलब जो कार्बन होता है उसका मध्य मतलब समीपस्थ जो ऑक्सीजन होता है, जो बगल का ऑक्सीजन होता है, वो इससे क्रिया करता है, प्रोटोन लेता है और क्या बनाता है? इनोल। बाकी आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल क्या ध्यान रखना है? व्हाट इज द इनोलाइजेशन, इनोलीकरण क्या है? इनोलीकरण में जो हेक्सोज शर्कराएं होती हैं उनको तनु क्षारीय विलयन पर कई समय तक जब गर्म किया जाता है तो ये एक दूसरे में क्या हो जाती हैं? रूपांतरित हो जाती हैं, वो इनोलाइजेशन, इनोलीकरण कहलाता है। क्लियर? इसका एक नाम और है जो आपकी बुक में दे रखा है, क्या है? लॉबरी डी ब्रून वॉन एफेंस्टिन रूपांतरण। लॉबर डी ब्रून वॉन एकेंस्टिन रूपांतरण ये आपका दे रखा है, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका किण्वन। अगला है किण्वन। किण्वन क्या होता है? फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या है? ये मिटा रही हूं मैं। किण्वन, किण्वन में मोनोसेक्राइड की जो किण्वन है इसके बाद क्या बनता है? इसमें इथाइल एल्कोहल बनता है। अच्छा, एक बात, एक बताइए, ये बात मैं आपको वैसे रेस्पिरेशन में, श्वसन में करवा चुकी हूँ। किण्वन किया है हमने, अवायवीय श्वसन भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये किसके द्वारा करा जाता है? बैक्टीरियाओं के द्वारा, जैसे ईस्ट है। ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो इसमें क्या होता है, ये आप ध्यान रखेंगे कि किण्वन में ग्लूकोज, वैसे बताने की जरूरत नहीं, ये तो हमने रेस्पिरेशन में भी किया है, किया था कि नहीं किया था? ग्लूकोज का जो श्वसन हो रहा था अवायवीय श्वसन या किण्वन में, ग्लूकोज किस में बदलता है? एल्कोहल में बदलता है। हम कहते हैं उसका पूर्ण विघटन नहीं होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण, और वो किस में बदल जाता है? एल्कोहल में। तो ये किस में बदल जाता है बच्चों? इथाइल एल्कोहल में। ठीक है, किस में बदल जाता है ये? इथाइल एल्कोहल में। क्लियर? ये होता है किण्वन फर्मेंटेशन। इसके बाद और अन्य क्रियाएं हैं, वो आपको दे रखी हैं, तो वो आप अपने आप पढ़ लेना। अन्य क्रियाएं बहुत सारी अपन ने इसमें देख ली हैं, इतना ही अगर आप याद कर ले या इतनी आप पढ़ लें तो जितनी बहुत हैं। चलिएगा भाई, इसके बाद है मोनोसेक्राइड के प्रमुख कार्य। मोनोसेक्राइड के क्या क्या कार्य होते हैं हम जानते हैं। हमारे जैविक तंत्र में अगर हम बात करें भोजन की, तो हमारे अंदर भी भोजन किसके रूप में? मोनोसेक्राइड के रूप में ही है भाई, है या नहीं है? बंद हो गया। मोनोसेक्राइड हमारे अंदर, अगर हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन में भी हमारे, भोजन हमारे शरीर में भोजन किसके रूप में है? मोनोसेक्राइड के रूप में। अगर मैं पादपों की बात करूं तो पादपों के अंदर भी जो भोजन रहता है वो किसके रूप में संचित रहता है? मोनोसेक्राइड, सुक्रोज के रूप में रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे मतलब मोनोसेक्राइड है मतलब शर्करा के रूप में रहता है वो। हालांकि सुक्रोज जो है आपका वो मोनोसेक्राइड नहीं है, वो ऑलिगोसेक्राइड है। पर लेकिन जितना भी हमारे जीवन तंत्र में जो क्रियाएं होती हैं वो किसके रूप में होती हैं? मोनोसेक्राइड के रूप में होती हैं। ठीक है, अगर बात करूं पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा वो भी क्या है? मोनोसेक्राइड है। तो डीएनए और आरएनए बिना पेंटोस शर्करा के भाई पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना? क्यों? जितना मतलब डीएनए आरएनए डीऑक्सीराइबोज राइबोज ये क्या है? पेंटोस शर्करा है। तो इनके बिना इनकी जो संरचना है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या है आपके? अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिपिड, हमारी तंत्रिका, हमारी तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में जो ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है, वो क्या है आपका? गैलेक्टोज है। ठीक है,
तो गैलेक्टोज क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड में होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन की जितनी संरचना है या जीवन चलने के लिए जितनी भी चीजें जो संपूर्ण तरीके से जरूरी होती हैं, वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, मोनोसेक्राइड शर्कराओं के द्वारा वो बनाई जाती हैं। इसके प्रमुख कार्य आपको बुक में दे रखे हैं, तो एक एक करके आप सारे आप पढ़ लेंगे, जो नहीं आएगा वो आप पूछ लेंगे, बाकी ऐसा मैंने पढ़ लिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा समझ में, ठीक है, सारे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो CO2 ग्राही होता है वो क्या होता है, पेंटोस शर्कराही है भाई, RUBP पढ़ के आ चुके हैं आप लोग, बहुत अच्छे से मैं आपको करवा चुकी हूँ, RUBP रेबुलोज बिस्फॉस्फेट पेंटोस शर्करा के दौरान जो काम में आता है, पेंटोस शर्कराही होता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। इसके अलावा आपके जितने भी रेस्पिरेशन में NAD FAD, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ये सब क्या है, पेंटोस शर्कराही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की। ठीक है, अगली बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड। अच्छा एक बात बताओ, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कल मैंने बताया था कि नहीं बताया था, कितने बच्चों को समझ आया, कितनों को नहीं आया, रिड्यूसिंग शर्करा और नॉन रिड्यूसिंग शर्करा। कल हम बात कर चुके हैं इनके बारे में, रिड्यूसिंग शर्करा और नॉन रिड्यूसिंग शर्कराओं के बारे में कल हम बात कर चुके हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, रिड्यूसिंग को कहेंगे हम अपचयी और नॉन रिड्यूसिंग को कहेंगे अनापचयी, ठीक है, रिड्यूसिंग को अपचयी शर्करा और नॉन रिड्यूसिंग को अनापचयी शर्करा, ठीक है। अपचयी शर्करा और अनापचयी शर्करा दोनों में आप देखिएगा क्या अंतर होता है, कैसे होती है। रिड्यूसिंग शुगर अपचयी शर्करा क्या होता है कि जो शर्करा होती है जिसके अंदर समूह, मैंने आपको कल भी बताया था, जिसके अंदर क्या हो, समूह हो, कौन सा, आपका कार्बोनिल समूह CHO ग्रुप हो, आपका कीटोन समूह हो, या फिर आपका हम बात करते हैं मेन दो, हम इन दो की बात करते हैं, किसकी, CHO समूह हो या फिर आपका कीटोन समूह अगर इनमें पाया जाता है, जिसमें मुक्त कार्बोनिल समूह हो, जिसमें मुक्त क्या हो, कार्बोनिल समूह। अब आप देखिएगा एल्डिहाइड में भी मुक्त कार्बोनिल समूह है, ये रहा, ठीक है, कीटोन में मुक्त कार्बोनिल समूह है, तो इन मुक्त कार्बोनिल समूह के कारण या इन ग्रुप्स के कारण, इन फंक्शनल ग्रुप्स के कारण जो मोनोसैकेराइड होता है, इसकी ये क्षमता होती है कि ये क्या कर सकता है, ये मेटल आयन, मतलब जैसे मान लो जिस भी मीडियम में आपका मोनोसैकेराइड शर्करा मौजूद है उसमें अगर कोई मेटल आयन है या कोई भी आयन है तो उसके साथ वो क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास मुक्त कार्बोनिल समूह है और उसको साथ क्रिया करके उसको क्या कर सकता है, अपचयित कर सकता है, उसको रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसकी क्वालिटी है कि ये क्या कर सकता है, सामने वाले मेटल आयन को रिड्यूस कर सकता है, और ये किसकी वजह से है, इनमें मौजूद इनके मुक्त कार्बोनिल समूह के कारण। तो वो सभी मोनोसैकेराइड जिनमें मुक्त कार्बोनिल समूह होता है, या मैं ये भी कह सकती हूँ वो सभी शर्करा जिनमें मुक्त कार्बोनिल समूह होता है, वो सभी कैसे होते हैं, आपके अपचयी शर्करा या रिड्यूसिंग शुगर वो होती है। जितनी मोनोसैकेराइड है, मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड, ज्यादातर मोनोसैकेराइड कैसी है, आपकी अपचयी शर्करा होती है। कुछ डाइसैकेराइड भी आपके अपचयी शर्करा है, जैसे कि आपके मैं बात करूं सुक्रोज है,
ठीक है, सुक्रोज आपका अपचयी है, इसके बाद आपका सुक्रोज नहीं सॉरी 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 सुक्रोज नहीं है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है आपका, लैक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज, क्या है आपके लैक्टोज और माल्टोज, ये दोनों कैसे हैं आपके, ये दोनों ही आपके अपचयी कार्बन है, ठीक है, क्या है ये अपचयी शर्करा है। तो ये कहूंगी कि जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, ज्यादातर सभी मोनोसेक्राइड क्या है आपके रिड्यूसिंग है, कुछ डाइसेक्राइड भी क्या है रिड्यूसिंग होते हैं, अपचयी होते हैं, लेकिन ज्यादातर डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड ऑलिगोसेक्राइड ये सब कैसे होते हैं, अनापचयी होते हैं, यानी कि मोनोसेक्राइड शर्करा कैसी होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। और यही शर्करा है कौन से, मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि जब इनका क्या काम होता है, जब हमको पता करना होता है कि मान लो दिया गए सॉल्यूशन में अपचयी शर्करा है या अनापचयी शर्करा है या फिर मोनोसेक्राइड है डाइसेक्राइड है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं जब, तो ये टेस्ट किए जाते हैं, कौन से टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट, बेनेडिक्ट रिएजेंट का टेस्ट, ठीक है। ये कैसे टेस्ट है, इनमें ये जो सॉल्यूशन होते हैं, इन अगर अपचयी शर्कराएं होती हैं तो अपचयी शर्कराएं होंगी तो वो क्या करेंगी, इन सॉल्यूशन में मौजूद जितने भी मेटल है उनका रिड्यूस करेंगी, रिडक्शन करेंगे, उनका अपचयन करेंगी, और इसकी वजह से वो सॉल्यूशन में क्या आता है, कलर आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि दिए गए सॉल्यूशन में हमारे पास कैसी शर्कराएं हैं, अपचयी शर्कराएं हैं या फिर मोनोसेक्राइड शुगर्स हैं। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, ऑलिगोसैकेराइड की। अगला है ऑलिगोसैकेराइड, वैसे इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये दोनों ही कैसे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसका क्या कारण है, जो ऑलिगो है, ऑलिगो शब्द ये एक ग्रीक वर्ड है बच्चों, ये एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, और जिसका जिसका मतलब क्या होता है, कुछ, इसका इसका मतलब क्या है, कुछ मतलब फ्यू इन नंबर, ठीक है। ओलिगो क्या है, ओलिगो एक ग्रीक शब्द है, इस ग्रीक शब्द का इसका मतलब होता है कुछ, मतलब फ्यू इन नंबर, संख्या में बहुत थोड़ा। तो आप खुद देखिएगा, जब हम कह रहे हैं संख्या में बहुत थोड़ा, इसका मतलब मोनोसेक्राइड से ज्यादा है लेकिन काफी कम है, तो 2, 3, 4, यानी कि इतनी जो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़कर कोई संरचना बनाती हैं, तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड। लेकिन इसका जो डिफ्रेंसिएशन था वो मैंने आपको बताया था कि कई ऐसे शर्कराएं होती है जिनमें 3 या 4 मोनोसेक्राइड यूनिट मौजूद हैं, उसके बावजूद उनको क्या कहा जाता है, पॉलीसेक्राइड। तो 3 और 4 मौजूद हैं उसको उसको भी हम पॉलीसेक्राइड कह रहे हैं, और 3 और 4 मौजूद हैं तो उसको हम ये कह रहे हैं कि वो ऑलिगोसेक्राइड भी हो सकते हैं। तो ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड इन दोनों में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है बच्चों, कोई इतना बड़ा डिफरेंशिएशन दोनों में नहीं है। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑलिगो एक ग्रीक शब्द है जो किससे लिया, जिसका अर्थ क्या होता है, कुछ, जिसमें हमने कहा है कि 2 या 3 या उससे ज्यादा, 3-4 जब जुड़े होते हैं मोनोसेक्राइड यूनिट तो वो ऑलिगोसेक्राइड कहलाते हैं। अच्छा, ये किससे जुड़े हैं ये बात भी आपको मैं बता चुकी हूं, कैसे, इस तरह से ऑक्सीजन ब्रिज के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन सेतु द्वारा जुड़े रहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट, और इसका मैंने आपको बता भी दिया कि जैसे वलय संरचना होती है, किसमें डिफरेंट बच्चा, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में डिफरेंट, भाई क्यों नहीं है, ऑलिगोसेक्राइड कुछ है संख्या में, यानी कि 3, 4, 5 बस इतनी। अब वैसे अगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार 9 कार्बन तक, यानी कि 9 मोनोसेक्राइड यूनिट तक जब आपस में जुड़कर कोई संरचना बनाती हैं तो उसको ऑलिगोसेक्राइड नाम दिया गया है, लेकिन 9 से अधिक हैं
तो उसको ऑलिगोसेक्राइड नहीं कहेंगे, फिर वो क्या हो जाती है, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड तो ये कितनी भी यूनिट, कितनी भी मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ जाएं उसको फिर हम बोल देते हैं पॉलीसेक्राइड, यानी कि 9 से अबव, 10, 11, 15, 20, 25, 30, कितनी भी यूनिट आपस में जुड़ी हुई है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, पॉलीसेक्राइड बोल देते हैं। बात आ रही है समझ में, उसको हम क्या बोल देते हैं फिर, पॉलीसेक्राइड। लेकिन कम यूनिट होती है, कम यूनिट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑलिगोसेक्राइड। वैसे दोनों में इस बात पर डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जा रहा है कि 3 और 4 अगर यूनिट है तो उसको ऑलिगोसेक्राइड बोलेंगे या पॉलीसेक्राइड, क्योंकि कहीं कहीं कुछ वैज्ञानिकों ने 3 और 4 यूनिट्स को भी क्या बोला है, पॉलीसेक्राइड बोला है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक क्लियर लाइन नहीं है, लेकिन अगर 10 से ऊपर आपकी मोनोसेक्राइड यूनिट पहुंच गई है तो फिर वो तो क्लियरली आपकी पॉलीसेक्राइड है, ऑलिगोसेक्राइड वो नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए ऑलिगोसेक्राइड में हम कहाँ तक रखते हैं, 4 यूनिट तक रखते हैं, कि अगर डाइसेक्राइड है यानी कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट, या ट्राइसेक्राइड है यानी कि 3 मोनोसेक्राइड यूनिट, और टेट्रासेक्राइड है यानी कि 4 मोनोसेक्राइड यूनिट है, तो उसको हम ऑलिगोसेक्राइड, हमने हमारे मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने पढ़ने के अनुसार या मानने के अनुसार ये माना हुआ है कि 3-4 तक हम उसको क्या बोल देते हैं फिर, ऑलिगोसेक्राइड बोल देते हैं। क्लियर, समझ में आया भाई? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनते हैं, उसमें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट पूछना हो किसी को? चलिए मैं मान के चल रही हूँ नहीं है, मैं ये मान के चलती हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आपको है या नहीं वो हम बाद में बात करेंगे। दोनों के बीच में बॉन्ड, अच्छा इनका जो नाम है मैंने भी आपको बताया है कि अगर दो मोनो, जैसे इसमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट है तो इसको हम क्या कह देंगे, डाइसेक्राइड। अगर यहीं पे एक और जुड़ गई है इससे तो ये हो जाएगा ट्राइसेक्राइड, यहीं पर एक और जुड़ गई है इससे तो ये हो जाएगा आपका टेट्रासेक्राइड। तो जितनी मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ती जाती हैं उसी के आधार पर इनको क्या कर दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है, डाई ट्राई। डाइसेक्राइड यूनिट के एग्जाम्पल है जैसे कि आपकी सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये क्या है आपके, डाइसेक्राइड यूनिट, ठीक है। ट्राइसेक्राइड यूनिट के नाम जैसे सेलोबायोज, ठीक है, रेफिनोज, ये क्या है आपके, ट्राइसेक्राइड यूनिट है। टेट्रासेक्राइड यूनिट सेकायोज, ठीक है, एक आध एक आध एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मेनली आपको डाइसेक्राइड यूनिट के याद रखने हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे भी, आपको डिटेल में भी बताएंगे, लेकिन ट्राई के और टेट्रा के एक दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा एक चीज और है, डाइसेक्राइड यूनिट मैं बोल रही हूँ, डाइसेक्राइड ट्राइसेक्राइड, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जरूरी नहीं है कि एक ही मोनोसेक्राइड यूनिट हो। मान लो ये क्या है आपका, ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है डाइसेक्राइड में, ठीक है, हो सकता है दोनों ही ग्लूकोज हो, ये भी ग्लूकोज हो और ये भी ग्लूकोज हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है दो अलग अलग मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़कर, मतलब 2 या 3 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़कर भी एक संरचना बना सकते हैं, सेम यूनिट आपस में जुड़कर भी, सेम मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़कर भी संरचना बना सकते हैं, इनके मध्य में सेम ग्लाइकोसिडिक बंध हो सकता है या अलग अलग ग्लाइकोसिडिक बंध हो सकता है, तो ये वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, क्लियर, ठीक है। जैसे कि आपको अगर मैं बात करूं माल्टोज, माल्टोज की अलग अलग की जैसे आपकी बुक में दे रखी है, पर मैं एक दो की बात कर रहे हैं यहाँ पर, माल्टोज, माल्टोज के पास क्या होता है, केवल 2 ग्लूकोज होते हैं, ये बात मैंने आपको भी कल भी बताई थी। और इसको कैसे लिखते हैं, 2 ग्लूकोज यूनिट है, ये डाइसेक्राइड है, माल्टोज क्या है, एक माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, ठीक है। और इसके पास कितनी यूनिट होती है, 2 ग्लूकोज यूनिट होती है, और इसके पास इसको हम लिखते हैं 2 अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्या है लैक्टोज, तो लैक्टोज के पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं 2, ये भी क्या है एक डाइसेक्राइड है, और इसके पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट भी हो सकती हैं और सेम यूनिट भी इसमें हो सकती हैं, क्लियर बच्चों? चलिए तो बाकी का आपको फिर हम कल कराएंगे, जब तक आज जितना कराया है आप प्लीज इसको पढ़ लेना बुक से, ठीक है, जो डाउट है इसके बारे में कल बात कर लेंगे। थैंक यू।